हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, नियमित योगासन करने से हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्ट्रेंथ एनर्जी बूस्ट होती है। हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिंस बाहर निकलती है, हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, अपनी यूट्रस में कंसीव की क्षमता बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए योगासन डेली करें। आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन सी योगासन नियमित करनी चाहिए जिससे कि यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़े। गर्भधारण के लिए बाउंड एंगल पोज यानी पद्मासन योगा पोज डेली करें। स्टेप्स बहुत ही आसान है। लेग्स को नीच से फोल्ड करके बैठना है, सोल्स को ज्वाइन करके बैठना है, फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके दोनों लेग्स में नीच में अप एंड डाउन की मूवमेंट देना है, अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठना है, कंधों को ओपन रखना है, ध्यान रहे बेंड होकर नहीं बैठना है। 5 से लेकर 10 मिनट तक पद्मासन योगा पोज आप डेली करें। पद्मासन योगा पोज डेली करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यूट्रस में प्योर ब्लड फ्लो ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस हेल्दी एग कंसीव कर पाती है। रिसर्च में यह पाया गया है कि पद्मासन योगा पोज फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब है पद्मासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड, लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में भरे, धीरे धीरे भरना है, बॉडी को एक्जेल के साथ धीरे धीरे बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पद्मासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड आप जरूर करें। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए। गर्भाधारण के लिए यानी कंसेप के लिए पश्चिमोत्तासन योगा पोज आप डेली करें यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज। लेग्स को ज्वाइन करके सामने स्ट्रेट करके बैठे, इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को धीरे धीरे अपने लेग्स के ऊपर बेंड करें, हेड को नीच के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज यानी पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यूट्रस में ब्लड फ्लो ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। गर्भाधारण यानी कंसीव करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव योगा पोज है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए, एक्जेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर ले जाएं, 2 से लेकर 3 बार तक आपको हर योगा को दोहराना है। गर्भाधारण यानी कंसीव करने के लिए भुजंगासन योगा पोज यानी कोबरा पोज अवश्य करें, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, इस तरह इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें, कुछ सेकंड्स के बाद अपनी बॉडी को ज्यादा ऊपर ले जाना है। जो लोग अपनी बॉडी को ज्यादा बेंड नहीं कर सकते हैं वे लोग इसी पोज में रुकें, ब्रीथ को होल्ड कर आपको इस पोज में रुकना है। आप अपनी बॉडी को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करें। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्जेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। ब्रीदिंग टेक्निक यानी इनहेल होल्ड एक्जेल के साथ भुजंगासन योगा पोज 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं, यूट्रस को गर्भधारण योग्य बनाएं। गर्भधारण करने के लिए शशकासन योगा पोज आप डेली करें। वज्रासन पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं, एक्जेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेस एंग्जाइटी रिड्यूस होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनहेंस होते हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। गर्भधारण के लिए यानी कंसीव की क्षमता बढ़ाने के लिए सुप्त वज्रासन योगा पोज आप डेली करें। वज्रासन पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं, हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को बेंड करना है, टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाना है, दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखना है। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, निगाहें फ्लोर के ऊपर टिकाएं,
इस पोज से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बूस्ट होते हैं, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यूट्रस गर्भधारण योग्य बनती है, यूट्रस हेल्दी होती है, धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस गर्भधारण के लिए यानी कंसीव करने के लिए सेतु बंधासन योगा पोज यानी ब्रिज पोज डेली करना है। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखकर फोल्ड करना है। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, किन को चेस्ट से सटाएं, ब्रिथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है ब्रिज पोज। इस पोज को डेली करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी यूट्रस गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करने योग्य बनती है। एक हेल्दी यूट्रस ही गर्भ धारण योग्य बनती है। इस पोज को डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी होती है। अपनी यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए सेतु बंधासन योगा पोज आप डेली करें। कुछ सेकंड्स के बाद एग्जेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दो से लेकर तीन बार तक दोहराना है। सेतु बंधासन योगा पोज यानी ब्रिज पोज डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इन सभी योगा पोज के बहुत सारे फायदे होते हैं। अपने यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए इन सभी योगा पोज को आप डेली करें, आपको फर्क नजर आएगा। आपकी यूट्रस गर्भ धारण करने योग्य बनेगी, आपकी यूट्रस हेल्दी होगी, सभी तरह के यूट्रस डिसीज दूर होंगे। लेकिन दोस्तों, सभी योगा पोज को दो से लेकर तीन बार तक दोहराना है। जल्दीबाजी में कोई भी योगासन न करें। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए सर्वांगासन योगा पोज आप डेली करें। अपनी कमर को दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। इस तरह इस पोज में रुकें। दोनों लेग्स को बैलेंस करने की कोशिश करें। अब थोड़ा और ऊपर ले जाएं। इस पोज में आपको रुकना है। यह है सर्वांगासन योगा पोज। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी यूट्रस हेल्दी गर्भ को धारण करती है, हेल्दी गर्भ धारण करने योग्य बनती है। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनहेंस होते हैं, यूट्रस हेल्दी होती है और गर्भ धारण करने योग्य बनती है। यह है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी यूट्रस गर्भ धारण करने योग्य बनती है। इसकी स्टेप्स है, पहले लेग्स को सर्वांगासन योगा पोज में लाना है, फिर धीरे धीरे हेड की तरफ बेंड करना है, बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर टिकाना है। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए हलासन योगा पोज आप डेली करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकने के बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए। पहले लेग्स को सर्वांगासन योगा पोज में ऊपर ले जाएं, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए पादा अंगुष्ठान योगा पोज आप डेली करें। फुट को अपनी दोनों हाथों से पकड़कर टोज को नोज के पास लाएं। इस पोज में रुकें। इस पोज को डेली करने से हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी यूट्रस गर्भ धारण करने योग्य बनती है। इस पोज से यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, इसी कारण गर्भ धारण करने योग्य बनती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकने के बाद धीरे धीरे स्टैटिक पोज में वापस आएं। लेग्स अप द वॉल योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी यूट्रस गर्भ धारण करने योग्य बनती है। इसकी स्टेप्स बहुत ही आसान है। लेग्स को वॉल के ऊपर स्ट्रेट रखें, नीज को फोल्ड नहीं करना है। दोनों हाथों को या तो अपनी बगल में रखें या हेड के पीछे बेंड करके भी आप रख सकती हैं, हेड के पीछे फोल्ड करके रख सकती हैं। इस पोज में हमारे यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है, टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है। इस तरह हमारी यूट्रस हेल्दी होती है और गर्भ धारण करने योग्य बनती है। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए मत्स्यासन योगा पोज आप डेली करें। इस पोज को फिश पोज भी कहते हैं। इस पोज में आपको रुकना है। मत्स्यासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है, साथ में स्ट्रेस भी रिड्यूस होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनहेंस होते हैं। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए मत्स्यासन योगा पोज आप
डेली करें। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए नौकासन यानी बोट पोज आप डेली करें। पीठ के बल लेट जाएं, इनहेल के साथ अपनी बॉडी को लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को लेग्स के पैरालेल रखें, इस तरह ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। इस पोज को डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस हेल्दी होती है, गर्भ धारण करने योग्य बनती है। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोज में आपको रुकना है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए वन लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड आप डेली करें। इनहेल के साथ अपने एक लेग को नीचे फोल्ड कर फुट को दूसरे लेग के थाई के ऊपर रखना है। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने लेग के ऊपर बेंड करना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। इस पोज को डेली करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दूसरे लेग में भी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ इस पोज को दोहराएं। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए वन लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज आप डेली करें। अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाए, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ेगी। इस पोज से हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, लिवर किडनी ओवरीज स्टिमुलेट होते हैं, इनहेंस होते हैं। यूट्रस को गर्भ धारण करने योग्य बनाने के लिए जानू शीर्षासन योगा पोज यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड योगा पोज आप डेली करें। इस योगा पोज से हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं, हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस डिसीज पूरी तरह से दूर होती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस डिसीज पूरी तरह से दूर होती है, स्ट्रेस दूर होती है, बड़ी हुई यूट्रस बड़ा हुआ पेट अपनी सही पोजीशन में आता है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। इसके स्टेप्स है, लेग्स को ज्वाइन करके सीधी खड़ी होना है, इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, एक्सेल के साथ बॉडी को सामने अपनी लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करना है, हेड को नीच के ऊपर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है, धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में इनहेल के साथ वापस आना है। योगासन करने से स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। थैंक यू एवरीबॉडी।